गंगा की मिट्टी में और यमुना की मिट्टी में क्या फर्क है? यमुना की मिट्टी चिपक के रह जाती है, देह अभिमान की मिट्टी, और गंगा की मिट्टी ऐसी है थोड़ा सा पानी डालो साफ हो जाता। इसका मतलब है कि जितने भी इस्लामी और क्रिश्चियन आदि हैं वो कौन सी पटरानी से ज्यादा प्रभावित है? बोलो, रुक्मणी से ज्यादा प्रभावित, यमुना से ज्यादा प्रभावित। ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, बाहर के विधर्मियों की बात उतनी समझ में नहीं आएगी। ब्राह्मणों की दुनिया के जो बीज रूप हैं, आधार मूर्त हैं, वो यमुना से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे प्रभावित हो जाते हैं कि जन्म जन्मांतर वो प्रभाव से छूट ही नहीं पाते। और सागर में भूकंप क्यों आते हैं? पृथ्वी पर भूकंप आवे वो तो ठीक, लेकिन सागर में तो अथाह जल है। सागर तो सबको समय लेता है, ऊपर ऊपर लहरें ऊंची ऊंची दौड़ती है, अशांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर में तो शांत रहता है। फिर वहां विस्फोट कैसे होता है? अरे सागर का भी आधार कौन है? हैं? सागर किसके ऊपर टिका है? पृथ्वी के ऊपर टिका है। और पृथ्वी में जैसे भूकंप आते हैं वैसे सागर के नीचे जो पृथ्वी है उसमें से भूकंप आते हैं। एडवांस पार्टी में जो भाई हैं और उनके संस्कार कन्या माताओं जैसे हैं, और विजयमाला के जो हेड हैं उसको बहुत याद करते हैं। और आवाहन बहुत करते हैं, तो क्या बाबा उस आत्मा का छोटी माता के साथ कोई संबंध है? अरे पूर्व जन्मों के संबंध के आधार पर ही याद आती है या बिना संबंध के भी याद आएगी? हैं? पूर्व जन्म के संबंध हैं तो यहां भी याद आएगी, आवाहन करेंगे। कोई संबंध ही नहीं रहा होगा तो यहां भी आवाहन नहीं करेंगे और याद भी नहीं आएगी। बाबा मुरली में आया है, अपने पर भी कुछ रहम करो,
इसका मतलब क्या है? कोई ऐसे होते हैं कि दूसरों की सेवा बहुत करते हैं, और उस सेवा में अहंकार भरा रहता है कि हमने सेवा की। तो ऐसी आत्माओं के लिए बोला कि अपने ऊपर भी रहम करो। जो अहंकार युक्त सेवा होती है उस सेवा का रिजल्ट नहीं निकलता है तो अपना भी फायदा नहीं होगा। जैसे याद के लिए बोला अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, ऐसे सेवा भी देवान में रहकर करनी चाहिए या आत्मिक स्थिति में रहकर करना चाहिए? आत्मिक स्थिति में रहकर सेवा करें वो अच्छा, और बाप की याद में रहकर के सेवा करें तो और भी अच्छा। कहते हैं कि रावण बहुत ज्ञानी था, उसको सब बातों का ज्ञान पहले से ही था, पहले से पता चल जाता था। तो रावण जब जानता था कि मेरा काल आने वाला है तो वो सीता को क्यों उठाकर ले गया? जानता तो था लेकिन रावण अहंकारी था या नहीं था? तो जो अहंकार के वशीभूत हो जाता है उसको फिर ज्ञान ध्यान सारा भूल जाता है। और जो अहंकारी होता है गलती कर लेने के बाद उस गलती को स्वीकार भी नहीं करता कि मैंने गलती की, अड़ जाता है, उसको कहते हैं हठ योगी। रावण कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग, ऐसे मुरली को बोला। तो रावण हठ कर जाता है अहंकार के कारण, और अपनी हट से पीछे नहीं हटता। बाबा ये कुत्ते रावण को क्यों भोगते हैं इतने? ओहो, अब कागज भी तो आने दो, इसमें एक कागज है, तसल्ली नहीं है। कुत्तों के ऊपर बड़ा संकल्प चल रहा है। अरे कुत्तों की दुनिया सतयुग त्रेता है या द्वापर कलयुग है? जब से द्वापर शुरू होता है कुत्तपने की दुनिया शुरू हो जाती है। कुत्ता का विशेष धर्म क्या दिखाते हैं? है? है? वफादारी। कोई खास अवगुण भी है? काम विकार और मनुष्य में नहीं होता क्या? कामना देवताओं में नहीं होती क्या? विशेष अवगुण है, एक ही कुत्तिया के पीछे ढेर कुत्ते पड़ जाते हैं। विचारी बनने का विशेष अवगुण है। और उस अवगुण को छिपाने के लिए
अज्ञान की रात में कुत्ते बहुत भूखते हैं, भौं भौं बहुत करते हैं। जैसे बाबा ने कहा, कलंकी दर पिछारी कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो कलंकी दर को पहचानते हैं क्या? अज्ञान में है, अज्ञान की रात में है कि ज्ञान के दिन में है? अज्ञान की रात में है तो वो तो भौंकेंगे। संगमी कृष्ण माना राम वाली आत्मा का सारा जीवन संघर्षमय होता है। तो बाबा सतयुगी सुख की दुनिया में उस आत्मा का क्या पार्ट होगा? वहां संघर्ष में रहेगी या और देवताओं की तरह जीवन व्यतीत करेगी? कोई आत्माएं होती है दुनिया भी सुख भोगने में ही सुख समझती है, और कोई आत्माएं होती है सच्चाई के लिए संघर्ष करने में सुख समझती है। सचखंड की स्थापना के लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े, उस बाबा के कार्य में मददगार बनती है। तो मददगार बनने वाली आत्माएं सत्य को त्रेता में सुखी रहेंगी या भावी संघर्ष होगा? सुखी रहेंगी, और द्वापर कलयुग में तो जरूर आकर के संघर्ष करेंगी, क्योंकि उनके संघर्ष करने के संस्कार हैं। सच्चाई के लिए संघर्ष करेंगी तो जन्म जन्मांतर विजय को प्राप्त करेंगी या हार खाती रहेंगी? विजय को प्राप्त करेंगी। ये विजय का सुख जितना बड़ा सुख है उतना सुख और बड़ा दुनिया में कोई होता ही नहीं। दुनिया वाले कहते हैं कि पहले हम बंदर थे, तो बाबा क्या हम पहले बंदर थे? पहले माने सच्ची के आदि में। रामायण में भी क्या बात आई है? राम ने काई की सेना ली? बंदरों की सेना ली राम राज्य लाने के लिए। तो राम राज्य तो सत्युग में आवेगा, लेकिन वो राम राज्य लाने के लिए पहले कौन से जानवर चाहिए? बंदर चाहिए। तो बंदरों की दुनिया हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। बंदरों की दुनिया हुई। वो बंदर कौन है? हैं? कोई दूसरे हैं या हम ही हैं? हम ही बंदर हैं। हम ही को बाप आकर के बंदर से बंदर लायक बनाते हैं। बाकी वो बंदरों की बात नहीं है कि जानवर जैसे बंदर हैं, जानवर बंदर हैं। ये ह्यूमन मंकीज की बात है, ये स्वभाव संस्कार की बात है। स्वभाव संस्कार से जो मनुष्य अंतिम जन्म में बंदर जैसे विकारी हो जाते हैं
अति के विकारी हो जाते हैं, उनकी सेना भगवान राम बाप आकर के लेते हैं। इसलिए लोगों में ये मान्यता हो गई कि पहले मनुष्य बंदर था। वैज्ञानिकों ने भी इस थ्योरी को चला दिया, डार्विन थ्योरी उसका नाम दे दिया, कि डार्विन ने ये थ्योरी निकाली कि पहले मनुष्य बंदर था। धीरे धीरे उसकी पूंछ मिट गई और वो मनुष्य बन गया। क्या वास्तव में अभी हम मनुष्य बन गए हैं? ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य हैं, मनु की औलाद बने हैं। अगर मनन चिंतन मंथन नहीं चलता, मननात् मनुष्य कहा जाता है, ऐसे मनन चिंतन मंथन करने वाले ईश्वरीय ज्ञान के नहीं बने तो हम मनुष्य हैं या बंदर हैं? अभी भी बंदर। बंदर से पहले मनुष्य बने, मनन चिंतन मंथन करने वाले बने, फिर मनुष्य से क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। एक वार्तालाप में बाबा ने बताया कि वर्तमान समय जो जम्मू राज्य है वो ही जम्मू द्वीप जिसका जिक्र बाबा ने मुरली में किया है, फिर दिल्ली में जो सुखधाम बनेगा और स्वर्ग जम्मू द्वीप बताया, तो इसमें क्या अंतर है? अरे वो जो स्वर्ग बनेगा वो टोटल विनाश के बाद बनेगा या विनाश से पहले बनेगा? है टोटल विनाश जब हो जाएगा तब बनेगा, तो दिल्ली का नाम निशान भी नहीं रहेगा फिर। ये तो संगम युग की बात है। कि दिल्ली में यमुना के कंठे पर स्वर्ग स्थापन होगा, हाँ। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी और नारायण के कपड़ों का रंग अलग अलग दिखाया गया है, हाँ। इसका क्या रहेगा? क्यों संसार अलग अलग नहीं है? लक्ष्मी नारायण के जो कपड़े दिखाए हैं वो स्वभाव संस्कार की बात दिखाई है, दैवी गुण दिखाए गए हैं, दैवी गुणों का श्रृंगार दिखाया गया है, या स्थूल कपड़ों की बात है? दैवी गुणों का। तो संस्कार अलग अलग हैं इसलिए कपड़े भी अलग अलग दिखाए गए, धारणाएं कुछ न कुछ हर आत्मा में अलग अलग ही होती है। मोर नाचता क्यों है? हैं? मोरनी को खुश करने के। वो तो कबूतर भी नाचता है कबूतरी को खुश करने के लिए। मोर अकेला जंगल में नहीं नाचता, देख नाचते हुए नहीं देखा क्या? संगम युग की यादगार है, जब खुशी बढ़ती है तो ज्ञान का डांस होता है, स्वतः ही ज्ञान का डांस चलता है।
ये खुशी का डांस है जो मोर को दिखाया गया है, इसलिए मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लिखा है सतयुगी विश्व महाराजन श्री नारायण तथा विश्व महारानी श्री लक्ष्मी। तो बाबा सतयुग में तो विश्व होता ही नहीं, विश्व कहा जाता है 500-700 करोड़ की दुनिया को, जहां विश्व धर्म हो। तो आप बताइए ये लक्ष्मी नारायण चित्र किस बात की यादगार है? अरे सतयुग में सत्य की स्थापना संगम युग से शुरू होगी या सतयुग से ही सतयुग आवेगा? तो जो संगम युग है उसमें 500-700 करोड़ की दुनिया होगी या नहीं होगी? होगी। और लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी ऊपर लक्ष्मी नारायण को दिखाया है, चारों ओर प्रकाश के वलय के बीच में, वो प्रकाश का वलय ज्ञान प्रकाश का वलय है, जिस ज्ञान प्रकाश में उनकी आत्मा निवास करती है। इसलिए चित्रों में और यादगार मंदिरों में दिखाते हैं क्षीर सागर। वो ज्ञान का सागर है, पानी का सागर नहीं है, क्षीर दूध को कहा जाता है। पानी को मिलाने से कुछ नहीं निकलता, मक्खन नहीं निकलता, और क्षीर को मिलाने से मक्खन निकलता है। और उनका नाम ही है नारायण, आयन माने घर, नार माने जल। कहां निवास करते हैं? ज्ञान जल में निवास करने का नाम नारायण है। वो संगमयुगी नारायण की यादगार है चित्र में। नीचे राधा कृष्ण दिखाए हैं, उनको प्रकाश का वलय के बीच में नहीं दिखाया है, माने उनको ज्ञान नहीं होता है। राधा कृष्ण सतयुग के हैं, वो संगमयुगी लक्ष्मी नारायण के बच्चे हैं। इसलिए चित्र में साफ साफ लिखा हुआ विश्व महाराज कुमार श्री कृष्ण और विश्व महाराज कुमारी श्री राधे। बाबा सुप्रीम सोल बाप कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। तो बाबा सुप्रीम सोल बाप को ड्रामा में बांधने वाला कौन है? क्या बाप से भी बड़ा कोई है? है? सुप्रीम सोल बाप से भी बड़ा कोई है? है? बड़ा किसी का आ जाता है? है? बड़ा माने? अरे बड़ा किसे कहा जाता है? जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा, और ज्ञान
बिंदु में होता है, या जब बिंदु साकार में प्रवेश करता है तब ज्ञान प्रत्यक्ष होता है? साकार में प्रवेश किए बगैर बिंदु से ज्ञान नहीं प्रत्यक्ष होता है। इसलिए बताया कि ड्रामा के बंधन में सब बांधे हुए। 500 करोड़ आत्माएं सब ड्रामा के बंधन में बांधी हुई है। सबको आकर के सच रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाना है। पार्ट बजाने के लिए बंधायमान है। ऐसे ही सुप्रीम सोल शिव भी प्रवेश करने के लिए, पार्ट बजाने के लिए बंधायमान है। तो ड्रामा बड़ा हुआ या भगवान बड़ा हुआ है? तो ड्रामा को चेंज कौन करता है? तो चेंज करने वाला बड़ा या ड्रामा बड़ा? समय का नाम है ड्रामा, समय चक्र का नाम है ड्रामा। समय चक्र जड़ है, जैसे कुम्हार का पहिया जड़ है, वो अपने आप नहीं घूमता। कुम्हार क्या करता है? उसमें डंडा लगाई देता है। तो शिव बाबा भी आके क्या करते हैं? ये ज्ञान का डंडा सृष्टि रूपी चक्र में लगाई देते हैं और 5000 वर्ष तक ये चक्र घूमता रहता है। अय्यप्पा का दूसरा नाम है हरिहरा पुत्र। हरिहरा पुत्र किसका नाम? अय्यप्पा का। हाँ, तो ये यहाँ की बात है। अरे अय्यप्पा है कौन? धर्मराज, जो धर्म को धारण करने वाला राजा है। अभी तो नहीं है, अभी है? अभी तो पार्टी प्रत्यक्ष नहीं है। ब्रह्मा बाबा थे तब भी धर्मराज का पार्ट नहीं था, आगे भविष्य में प्रत्यक्ष होगा। धर्मराज मेरा राइट हैंड है, तो जो भविष्य में प्रत्यक्ष होगा, उस प्रत्यक्ष होने वाले धर्मराज का माँ बाप कोई होगा या नहीं होगा? कौन है? ब्रह्मा बाबा माँ है और जगत पिता बाप है। समझ में आया है? हाँ, तो आराम से लिख लिख के पत्ते देते रहूंगे ढेर सारे। हाँ, कलकत्ता के भंडारे में खिचड़ी क्यों खिलाते हैं? जब जब भंडारा होता है, ब्राह्मणों की गैदरिंग होती है, तो खिचड़ी खिलाते हैं। और दिल्ली में पूरी और सब्जी क्यों भंडारे में मिलती है? अब बताओ, कलकत्ता को हस्तिनापुर कहेंगे या दिल्ली को हस्तिनापुर कहेंगे? है हाथियों का पुर, बेअभिमानी सांडों का पुर, खाओ पियो मौज करो। दुनिया में कौन सा ऐसा धर्म है जो एक ही बात पर टिका हुआ है? क्या यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा
घृतम पीवे, जब तक जियो मौज से जियो, और क्या करो घी पियो आप सुख से रहो, और क्या करो उधार ले लेके खाते रहो। तो उधार लेके खाने में बेसिक ब्राह्मण आगे जाएंगे या एडवांस वाले ब्राह्मण आगे जाएंगे? हैं? कौन जाएंगे आगे? एडवांस वाले और आगे चले जाएंगे, और खास करके दिल्ली में, क्योंकि उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, खाओ पियो मौज उड़ाओ, हमें तो जो कुछ पाना था सो यही पाना है, हमें विश्व कल्याणकारी नहीं बनना, पहले हम अपना तो कल्याण शरीर का कर लें। जगन्नाथ भंडारे में और श्रीनाथ भंडारे में दोनों के बीच में विश्व कल्याणकारी भंडारा किसे कहेंगे? क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे कि आगे चल के दुनिया में भीड़ पड़ेगी, ढेर के ढेर दीन दुखी चारों तरफ देखने में आवेंगे, अकाल पड़ेगा, प्रकृति के प्रकोप होंगे, लोग बहुत दुखी दुखी त्राहे त्राहे हो जाएंगे। उस समय उनको अकाल दुकाल में खाने के लिए अन्न भी नहीं मिलेगा, तो उस समय खीर पूरी चलेगी या कढ़ी चावल चलेगा? कढ़ी चावल दे सकते हैं आराम से, तो वो विश्व कल्याणकारी का भोजन है। हमारे हिस्से में इतना ही आता है, जितना विश्व की आत्माओं को बांटा जा सकता है। ये श्रीनाथ भंडारा बेसिक में चलता है या एडवांस में चलना चाहिए? बेसिक में चलता आया तो स्वर्ग स्थापन हुआ, सुखदाम बन गया क्या? लेकिन यहां लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? कि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के लिए हमारा लक्ष्य है, हमें सुखदाम बनाना है दुनिया को, तो सबको मौका देंगे या खास खास को मौका देंगे? श्रीनाथ भंडारे में तो जो पैसा देते हैं उनको खीर पूरी हलवा मिल जाता है, माने भोग भी बेचा जाता है, और जगन्नाथ भंडारे में भोग बेचा नहीं जाता है, सबको बराबर बराबर लेने का हक है। बाप की याद में पागलपन दीवानापन क्या होता है? दुनिया वाले क्या कहते हैं ज्ञान में चलने वालों को? ये पागल हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं, तब तो दुनिया से अलग होके चलते हैं। बाबा का सपना आता है, अगर दो चार दिन नहीं आता है तो मन व्याकुल होने लगता है, और जब कोई आत्मा दुख देती है तो उस दिन बाबा का सपना जरूर आता है, या बाबा उस दिन मुरली में अच्छे अच्छे पॉइंट चला देते हैं,
और आत्मा को बड़ा सुख मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है, है? क्यों होता है? सबको होता है या कोई कोई को होता है? है, कोई कोई को होता है। वो कोई कोई कौन है? भाव प्रधान विश्व रचिरा का, जिनकी भावना भगवान में बहुत है उनको ऐसा वो होता है। ज्ञान उतना नहीं है लेकिन भावना, भावना बड़ी प्रबल है। बाबा, कई बच्चों को बाबा प्रश्न, बाबा से प्रश्न पूछने में डर लगता है और कई बच्चों को बाबा से प्रश्न पूछने में कोई डर नहीं लगता। ऐसे क्यों होता है? कई बच्चे ऐसे हैं जो बाबा के सामने आने से ही सब कुछ भूल जाते हैं। ये तीन तरह के क्यों हैं? है? कोई बहुत प्रश्न करते हैं, कोई प्रश्न करते ही नहीं, प्रश्न करने में कैसे उन्हें डर लगता है। अच्छा, देवासुर संग्राम कभी टीवी में देखा है? देखा है कि नहीं है? देखा है? क्या खास बात देखी? देवासुर संग्राम में जो मखानी है वो ब्रह्मा बाबा को बनाया गया। मंदराचल पर्वत, कैसा पर्वत? मंद रहा, मंद बुद्धि रहा, जिसका विचार सागर मंथन चला ही नहीं, और कछुआ के रूप में आधार बनाया विष्णु को, जो अपनी कर्मेंद्रियों को समेट ले चाहे, जब कंट्रोल में है जिसकी कर्मेंद्रियां। और रस्सी काहे की दिखाई गई है? सांप की। सांप का नाम क्या है? हैं? वसु की नाग। वसु कौन है? वसु का पुत्र वासुकी, ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, जैसे शिव का पुत्र शैव, ऐसे ही वसु का पुत्र वासुकी। वसु कौन है? वसु माने धन संपत्ति। बड़ी से बड़ी धन संपत्ति क्या है? ज्ञान धन है। वो ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप कौन सी आत्मा है? कौन है जो आकर के हमको धन ही धन देता है? शिव है, शिव है वसु, उसका बच्चा है वासुदेव, शास्त्रों में उसी का नाम दिया वासुकी। शिव का बच्चा कौन है? पहला पहला शंकर। तो जो सांप है वो रज्जु दिखाई गई है, रस्सी बनाई, उस सांप का मुंह पकड़ने में किसको मजा आता है? हैं? असुरों को। आसुरी प्रवृत्ति के जो हैं
उनको बड़ा मजा आता है। जो भगवान का पार्ट है महादेव के रूप में, उसका मुंह पकड़ने में बड़ा मजा आता है, देखो हमने कितना काम किया, हम दमदार किए दमदार। और देवता बेचारे डरते हैं तो मुंह पकड़ने की हिम्मत नहीं करते, क्या करते हैं, जो बोला मुख से बस उसको फॉलो करना है, माने पूंछ पकड़ते हैं फॉलो करने के लिए। तो वो डरते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो डरने की भी बात नहीं, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। असुरों का काम है निडर होना, भगवान के सामने भी निडर होकर के बात करेंगे। देवताएं, उनको डर लगता है, डरपोक होते हैं। और एक ऐसे होते हैं कि सामने जाते ही उनकी बोलती बंद हो जाती है, कहां के वासी हो जाते हैं, शांति धाम के वासी हो जाते हैं। बाप का बच्चा होगा तो घर का बच्चा हुआ या बाहर का बच्चा हुआ, तो जो आत्मा है जल्दी से जल्दी आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले हैं, उनकी ये निशानी है, चाहे फोन से बात करें चाहे सामने आकर के बात करें, जब भी बात करेंगे जब भी सामने आएंगे सब कुछ भूल जाता है। तो तीनों प्रकार के बच्चे ब्राह्मणों की दुनिया में मौजूद हैं। बाबा 16 सेक्टर वाला सोमनाथ का मंदिर 92 में बना था, 21 नवंबर को, तब डिस्कनेक्ट नहीं था, बाद में भी बहुत समय तक डिस्कनेक्ट नहीं रहा, और अभी है, अभी कनेक्शन है या नहीं है, अभी कनेक्शन नहीं है। हिस्ट्री में बीच में ऐसा क्या हो जाता है जो सोमनाथ का मंदिर है उड़ जाता है, कुछ होता है कि नहीं है, विदेशी आत्माएं घुस पड़ती हैं। कौन, बौद्धी या मुसल्ले है, मुसलमान घुस पड़ते हैं, लोभी, और उसको उड़ाई देते हैं, लूट लेते हैं, लूट लाट के भाग जाते हैं, मंदिर ही खलास हो जाते हैं। किसी माता ने अभी भी पूछा था, तो मंदिर ही खराश हो गया तो कनेक्शन कहें या डिस्कनेक्ट कहें, डिस्कनेक्ट हो। बाबा ने मुरली में कहा है बाप के साथ सर्व संबंध निभाना है,
और माताओं को बाबा के साथ कौन सा संबंध निभाना है? पहले पहले अपना बच्चा बनाना है, पहले पहले अपना बच्चा बनाना है या बाद में बनाना है? क्या शर्त रखी? माताओं को पहले अपना बच्चा बनाना। तो ये बात कल्याण के लिए बोली या अकल्याण के लिए बोली होगी? कल्याण के लिए बोली। क्या कल्याण है? माताएं घर गृहस्थ में रहती है, अपने लौकिक पति के साथ रहती है। जो भी पति है कंट्रोल करने वाले घर में, वो सब दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? है? बोलो, सब है। तो अगर भगवान को पति के रूप में मान लिया और कहीं खुदा न खास्ता प्रैक्टिकल संबंध जोड़ लिया, और आगे आने वाले टाइम में चारों तरफ से हाहाकार निकला, बदनामी निकली, और पति जो सहयोगी था वो भी विरोधी बन जाएगा, हमला करेगा, तो व्यभिचार का दोष लग जाएगा कि नहीं? कि बच जाएंगे? तो व्यभिचार के दोष से बचाने के लिए बाबा ने ये शर्त रख दी कि माताओं को पहले पहले बाबा को अपना बच्चा बनाना है। बच्चे की भावना जब बैठ जाएगी तो प्रैक्टिकल में कुछ ऐसा विकर्म नहीं बन पाएगा। जो वैश्या का टीका लग जाए, बाकी मन के संकल्पों के आधार पर जो सृष्टि तैयार होती है वो कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। बाबा कोई ज्ञान में चलता है, और ज्ञान में चलने वाला कोई को संदेश देता है, और संदेश लेने वाला अगर गरीब है, उसके पास बाबा के पास पहुंचने के लिए किराया भी नहीं है, तो क्या किराए आदि का सहयोग उसे दे सकते हैं? बाबा ने तो मुरली में इस बात के बारे में बता दिया कि बाबा ये नहीं मान सकते कि कोई के पास बाबा से मिलने के लिए पैसा न हो। सन्यासियों का मिसाल दिया, सन्यासियों को एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान जाना होता है तो क्या करते हैं? है? कफनी पहनी और ये चले ट्रेन पे चढ़ करके, एक जगह उतार देगा दूसरी ट्रेन से चढ़ जाएंगे, दूसरी ट्रेन से उतार देगा तीसरी ट्रेन में चढ़ जाएंगे। ललक होनी चाहिए, भीख मांग के भक्ति नहीं करनी है, न भक्ति करानी है। एक बार भीख दे देंगे फिर उनका फाउंडेशन पक्का पड़ जाएगा,
भीख मांगने का और भीख पर चलने का। बाबा के बच्चे राजा बनने वाले बच्चे होते हैं या दूसरों की भीख पर चलने वाले बच्चे होते हैं? जो राजा बच्चे हैं वो स्वाधीन होने चाहिए, अपने लिए रोटी कपड़ा मकान और किराया नहीं निकाल सकते, तो वो प्रजा का क्या कल्याण करेंगे, प्रजा का क्या पोषण करेंगे? बाबा प्यार करना है और प्यार निभाना है, ये बात ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे पता चलेगी? अरे ब्राह्मणों की दुनिया की शर्त दूसरों से प्यार करना है या एक बाबा से प्यार करना है? जिसको एक बाबा से प्यार होगा दुनिया में किसी से प्यार नहीं होगा, कोई देहधारी से प्यार नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा, वो अपना तन मन धन समय संपर्क किसके पीछे अर्पण करेगा? बाबा के पीछे अर्पण करेगा, तो पता नहीं चलेगा है? दूसरों को पता नहीं चलेगा, पता चल जाएगा। हाँ अन्य देहधारियों के साथ अगर प्यार का लक्ष्य ले लिया है तो उसे छुपाने की जरूरत पड़ेगी, फिर हो सकता है पता न चले। ज्ञान में चलते हुए दोनों पति पत्नी देखने में आते हैं, लेकिन पत्नी श्रीमत के बरखिलाफ बात बोलती है, क्लास में सब आत्माओं के अपोजिशन करने पर माता मानती नहीं है, फिर उसका पति धर्मराज बनकर के पिटाई करता है तो क्या ठीक है? ठीक है या नहीं है? ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर बोलती है तो वो अपने मुंह से बोलती है ना, बोलने का अधिकार सबको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसे बोलने दो, उसकी बात मत मानो। पिटाई पिटाई करना, ला अपने हाथ में लेना, धर्मराज बन जाना, ये तो बाबा ने नहीं बताया। दुनिया भर की कथा कहानी लिखी करते, छोटा छोटा प्रश्न लिख के दिया करो शॉर्ट में। महाकाल माने क्या है? सामान्य रूप से काल तो सतयुग की आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक सबको आता है,
लेकिन महाकाल कब आता है जो किसी को नहीं छोड़ता है, महाविनाश में जहां देखो वहां काल ही काल मंडराता है, उसको कहते हैं महाकाल। और साथ में है महाकाली बाबा, सच्चे सेवाधारी एक गेट खड़ा नहीं सकते, इसका क्या सेवा एक जगह बैठ के हो जाती है या चलते फिरते होती है? एक जगह बैठ के संदेश दे देंगे या चलते फिरते संदेश देंगे? एक जगह बैठ करके जो संदेश देते हैं वो साधनों के आधार पर साधना करते हैं या बिना साधन के करते हैं? साधनों के आधार पर उनकी साधना है। आगे चल करके वो साधना वो साधन झूठे पड़ जावेंगे। जो वाइब्रेशन के आधार पर साधन, साधनों के बगैर ही ईश्वरीय सेवा करेंगे, सारे संसार को संदेश देने के निमित्त बनेंगे, वो ही सच्चे सेवाधारी है। और वो बैठेंगे नहीं, सूर्य उत्तरायण होगा तब शरीर छोड़ूंगा, ऐसा भीष्म ने क्यों कहा? अरे पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो ध्रुव हैं, छह महीने सूर्य उत्तरी ध्रुव की ओर ज्यादा प्रकाश देता है और छह महीने दक्षिणी ध्रुव की ओर ज्यादा प्रकाश देता है। ऐसे ही ये पृथ्वी पर देश और विदेश दो हैं, देशी माने भारतवासी और विदेशी माने जो विदेश के रहने वाले हैं, भारतवासी नहीं है, भाषा ही उनकी अलग है, परंपराएं अलग हैं। जैसे भारत में उत्तरी भारत है और दक्षिणी भारत है, अभी एडवांस ज्ञान चल रहा है तो दक्षिण भारत में सूर्य ज्यादा चमक रहा है बेहद का, या उत्तर भारत में चमक रहा है? दक्षिण भारत में चमक रहा है, तो कहेंगे दक्षिणायन। ये दक्षिणायन जब तक है तब तक जीते जी नहीं मरना है। कब मरना है? जब सूर्य उत्तरायण हो जाए। नॉर्थ इंडिया के लोग जागने लगे उस समय जीते जी मरना अच्छा है। स्वर्ग की स्थापना कब होगी? जब सूर्य दक्षिण में चमकता है तब स्वर्ग स्थापन होता है, या नॉर्थ में चमकता है तब स्वर्ग स्थापन होता है? नॉर्थ में चमकेगा तब स्वर्ग की स्थापना होगी। इसलिए भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा ली
कि उत्तरायण जब सूर्य होगा तब हम शरीर छोड़ेंगे। छोटी मां आने के बाद जो सरेंडर होंगे वो कैसी आत्माएं होंगी, और अभी जो सरेंडर हो रहे हैं वो कैसी आत्माएं हैं। छोटी मां आएगी तो चंद्रवंशियों का नंबर लग जाएगा या सूर्यवंशियों का ही नंबर चलता रहेगा? नंबर ही चंद्रवंशियों का शुरू हो गया। चंद्रवंशियों के बाद फिर चंद्रमा की रहबरी में पलने वाले और वंश के लोग और धर्म की आत्माएं आ गई, तो उस समय सरेंडर होने वाले रुद्रमाला के रुद्र बच्चे नहीं होंगे, रुद्रमाला शिव की माला है और विजय माला शिव की माला नहीं है। वर्षा किससे लेना है? शिव से लेना है। या चंद्र चंद्रमा या चंद्रमा के फॉलोअर्स से लेना है? राजा कौन बनेंगे? जो शिव के बच्चे हैं वो राजा बनते हैं। मन बुद्धि से तन से मन से सरेंडर होना अभी अच्छा है या जब बाद में भीड़ लगेगी तब सरेंडर होना अच्छा है? अभी जो सरेंडर होंगे उनका भाग्य ज्यादा बनेगा। कागज के ऊपर सरेंडर होने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन की बात है। बाबा आप कहते हो कि ब्रह्मा बाबा वहां इतनी पावरफुल दिव्य गुणों की अव्यक्तवाणी इसलिए चलाते हैं क्योंकि वो पहला देवता है, जबकि दूसरी तरफ आप कहते हो क्या कहते हो? पहला ब्रह्मा सो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य सो पहला शूद्र। तो सही बात क्या है? हैं? पहला ब्रह्मा कौन पता ही नहीं है? मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं, तो पहले किसमें प्रवेश किया? ब्रह्मा में प्रवेश किया या प्रजापिता में प्रवेश किया? प्रजापिता में प्रवेश किया। पूछने वाले को इस बात का ज्ञान ही नहीं है इसलिए ऐसा प्रश्न किया। पहले कहा कि बाप रचयिता बच्चों रूपी रचना से ज्यादा पावरफुल होता है, फिर बोला कि बच्चे जो जन्म लेते हैं उन्होंने मां बाप से पूर्व जन्म में जीत पाई, पूर्व जन्म में कर्मों पर जीत पाई, इसलिए मां बाप से पालना लेते हैं। तो बाबा ये तो दो दो बातें हो गई, बच्चे जो रचना बने वो ज्यादा पावरफुल हैं या मां बाप ज्यादा पावरफुल हैं?
नहीं, राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में रचयिता थी या रचना थी? रचयिता थी, बाद में शरीर छोड़ गई। और शरीर छोड़ने के बाद कहां जन्म लेगी? बच्चा बनके हैं? सतयुग में बच्चा बनके जन्म लेगी। तो राम वाली आत्मा के ऊपर कृष्ण वाली आत्मा ने जीत पाई या कृष्ण वाली आत्मा जीत पाती है? उस समय कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ? कृष्ण वाली आत्मा सहन शक्ति में जीत पाई और राम वाली आत्मा फेल हो गई। इसलिए अगले जन्म में राम वाली आत्मा रचयिता बनती है और सतयुग में राधा कृष्ण बच्चों को जन्म देने के निमित्त बनती है। वो राम वाली आत्मा सीता वाली आत्मा जैसे कि दास दासी बन गए अपने बच्चों के, तो ये कोई खराब बात थोड़े ही है। सभी माँ बाप अपने बच्चों के क्या बनते हैं? दास दासी बनते हैं। ओम शांति, हो गया है।